ओके गाइस, आज हम बात करेंगे आपके ग्रिप के बारे में। क्रिकेट के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें क्या क्या होता है, आपका ग्रिप, स्टांस, बैक लिफ्ट, डाउन स्विंग और फॉलो थ्रू, ये हमारे क्या है बैटिंग के बेसिक्स हैं। ये हमें कैसे करना है इसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, ग्रिप कैसे करना है हमको बदला आपको, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉप हैंड एंड बॉटम हैंड, ये दोनों जो हम बैट पे हैंडल पर रखते हैं तो इसका वी बनना चाहिए, लाइक दिस, है ना, वी बनना चाहिए। और ये वी का जो सेंटर पॉइंट है ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्प्लाइस है हमारा, इसे हम स्प्लाइस बोलते हैं, ये हमारा आउटर एज है, ठीक है। तो स्प्लाइस एंड आउटर एज के बीच में हमारा वी पॉइंट करेगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बैट पकड़ने के, ओके। और ये करने के बाद में मेरा जो ये नकल है ना, नकल ये जो हड्डी है अंगूठे की, ये लगभग आपके स्पाइन पे आ जाएगी, जो हमारा स्लाइस है ना यहाँ पॉइंट करेगी। इसका मतलब ये है कि मेरा ग्रिप ठीक है, ठीक। अब है हमारा बॉटम हैंड की जो ग्रिप हमें कैसे करना है, आपका जो स्लाइस है ठीक है, ठीक पीछे के ड्रैग करना है हमको और पकड़ लेना है, ठीक है। या फिर अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको आप हल्का सा आउटर साइड भी कर सकते हो, हल्का सा, इसमें छोटी सी एक रेंज होती है, वो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप कर सकते हो मैनेज इसको, ठीक है ना। दोनों हाथों के बल्ला पकड़ने के बाद में, ठीक है, हमारा टॉप हैंड जो है ये हमको कंट्रोल देता है, ये गाइड करता है, ठीक है ना। बॉटम हैंड हमारा सपोर्टिंग हैंड है, इसका हमें यूज़ कम करना है। कोई शॉट ज़रूर ऐसे होते हैं, कट शॉट, पुल शॉट, स्वीप शॉट, जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं बॉटम हैंड का, अदरवाइज सारी गेम हमारी जो है ना वो चलती है टॉप हैंड से, ठीक है। ये बात हो गई हमारी ग्रिप की। उसके बाद में क्या है, हमारा स्टांस है, ठीक है, जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई होती है, हमको अपने पैर को इतना ही खोलना है, दोनों पैर के टो पॉइंट करेंगे, जो पॉइंट के फिल्टर होता है उस साइड पर, ठीक है। हमारा बॉडी का वेट दोनों पैर पर इक्वल रहेगा, आगे बहुत रहना नहीं है, पीछे भी नहीं रहना है, इक्वली दोनों पैर पर रहना है उसको, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं बैक लिफ्ट की। आप कभी बैट लिफ्ट करेंगे ना अपना, तो नॉर्मली क्या करना है, बैट लिफ्ट करना है टॉप हैंड से। टॉप हैंड से इसके फ़ायदे क्या हैं, जब हम अपना बल्ला टॉप हैंड से लिफ्ट करते हैं ऊपर, तो हमारे यहाँ कॉप हो जाती है रिस्ट, और बल्ले का लिफ्ट हुआ है ये एक अच्छी हाइट पर जाता है, जो हमको सपोर्ट करता है शॉट में पावर देने के लिए। बल्ला जितना ऊपर से आएगा उतना आपका पावर अच्छा जाएगा शॉट के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है, इनिशियली बैट को लिफ्ट करेंगे हम लोग टॉप हैंड से लाइक दिस, बॉटम हैंड सपोर्टिंग रहेगा हमारा, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया आज स्टांस, ग्रिप, बैक लिफ्ट। इसके बाद में जब ये पूरा कर लेंगे हम लोग, फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफेंस और ड्राइव की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपका है, कुछ पूछना है बताइए सर। जब प्रॉपर कवर ड्रैग खेलते हैं तो सर ये पैर इसकी जगह ये होता है, अपना पैर ये ऐसे की जगह ऐसे जाता है सर, मतलब बॉडी ओपन हो रही है जी सर, ओपन, ठीक है। ये बहुत बड़ी होल्ड नहीं है, आपको करना क्या होगा, आपको आप जब भी खेलना है कवर ड्राइव तो इनिशियली क्या करना है ना, आपको अपना वेट एक तो बॉडी रखनी है साइड ऑन, बॉडी को ओपन नहीं करना, एक चीज़, ठीक है। बॉडी साइड ऑन रहेगी हमारी तो हमारा बॉल का परसेप्शन अच्छा होगा, बॉल हमको अच्छा दिखेगा, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद में जब आप ड्राइव मारने जाओगे तो आपका पहले अपना शोल्डर डिप करना है बॉल की लाइन में आके, फिर डाउन योर शोल्डर, ठीक है, और साइड ऑन पोजीशन, और फिर ड्राइव खेलनी है, तो ये ओपन नहीं होगा जी सर, ठीक है। और कुछ पूछना किसी को, कोई क्वेश्चन आप बताइए सर। वही जो बैक लिफ्ट करते हैं वो मतलब यहाँ जाएगा, सीधी आएगा, ठीक है। देखो बैक लिफ्ट क्या है ना, बल्ला उठाना का सबका अलग अलग तरीका अपना होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कॉमन सब में होती है, जो बड़े प्लेयर होते हैं बैट को लिफ्ट करने में, बैट गली से आ जाए, पॉइंट से आ जाए चलेगा, बट जो डाउन स्विंग है ना हमारा वो सीधा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम शॉट खेलेंगे कवर ड्राइव तो बल्ला हमारा फाइन लेग से आएगा, बॉडी के पास से आएगा, ठीक है, और एकदम सीधा आएगा। लाइक जब बल्ला आप लिफ्ट लेके आ रहे हो ना अपना, तो आपका जो राइट हैंड है उसका जो एल्बो है ये ब्रश करना चाहिए आपके कमर पे, इसका मतलब बल्ला हमारा हमारे पास से आ रहा है और सीधा आ रहा है, ठीक है ना। और बताइए कुछ क्वेश्चन भाई, ये सर हाँ वही चीज़ है ना कि बॉडी साइड ऑन रहेगी आपकी, ठीक है, और पहले आपको शोल्डर डिप करना है अपना लाइक, ठीक है, ये तो ये सब नहीं होगा, ओके।
तो ठीक है, आज बात हमने कर ली अपना स्टांस ग्रिप बैकलिप, ठीक है, आगे हम बात करेंगे ड्राइव की और डिफेंस की। थैंक यू।